क्विक सिंगल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग, मेरा जो क्विक सिंगल रहेगा ग्लेनमार्क, ये 1080 पे ट्रेड करा है और जा रहा है 1100 की तरफ। स्टॉप होगा आज का लो समय क्लोजर टू 1072, 8 रुपए का स्टॉप है, बट 20 रुपए का टारगेट हो सकता है। यस ग्लेनमार्क। ओके ग्लेनमार्क, ये होगी गाबा सर की पिक। रचना जी आपका क्विक सिंगल? जी मेरी तरफ से यूपीएल रहेगा, यूपीएल के मे के फ्यूचर्स 504 पे है एज ऑफ नाउ, उसमें अगर 500 के नीचे एथल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे 515 और 20 का टारगेट रहेगा। ओके 502 पे बाय है आपका ग्लेनमार्क, देन केमिकल में यूपीएल। राजेश सतपुत्र जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है एस्ट्रल पे। अगर आप एस्ट्रल का स्ट्रक्चर देखो तो मुझे लगता है इसमें वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है 2000 के ऊपर फ्यूचर में, तो इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। स्टॉप लॉस विल बी एट 1985 एंड इनफैक्ट 1980 टू बी ऑन अ लिटिल सेफर साइड। तो 1980 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल बाय करे, इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2060 से लेके 2080। ओके यहाँ पे 2008 से 2080 तक का मूव, यानी 8 पे ट्रेड कर रहा है आशीष भाई। ये मानस जी आपका ट्रेड? देखिए वीरेन जी, ऐसा लग रहा है कि यूबीएल में आज फिर से उसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह की कल देखने को मिली थी। आई थिंक यूबीएल पे करंट लेवल्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। 1081 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2080 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2039 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 2160 2170 तक के भाव आपको यूबीएल में देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो मे मंथ का 2080 वाला कॉल ऑप्शन जो 87 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 64 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 130 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय यूबी पर कॉल। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? मॉर्निंग अनुज, थैंक यू। तो फिर हम देख रहे हैं कि HAL जो है फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड कंसिस्टेंटली हमने हमारे चैनल में भी रेकमेंड किया है ये, एंड वॉल्यूम सर्च के बाद जिस तरह से फॉलो अप बाइंग है यहाँ पे, तो ये एक डिफेंस, पूरे डिफेंस स्पेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, एंड ये जो हायर जोन्स की तरफ उसको लेके जाएगा। 22% से ऊपर हमने लॉन्ग एडिशन देखे हैं ओपन इंटरेस्ट में प्राइस सर्च के साथ, तो कुल मिला के स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी भी है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 4130 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे, 3890 के एक स्टॉप के साथ। ओके चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी अनु जी, जिस हिसाब से BL कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो रेंज में अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, मुझे लगता है यहाँ पे इट्स रेडी फॉर अ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट और एक मूव के लिए रेडी है। 237 का इसका प्राइस है, 234 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 243 रुपीज के। ओके तो BEL 237 पे, तो अभी अभी डिफेंस की दोनों स्क्रिप्ट स्क्रीन पर बाय रिकमेंडेड ट्रेड्स पे आ चुके हैं। आशीष भाई जी आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, मेरे रडार पे भी UBL आ रहा था बट सिंस वो कवर हो चुका है, तो दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो बायोकॉन है। इन लेवल्स पे कल का एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था बायोकॉन में और आज वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है और फार्मा एज अ सेक्टर में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी UBL में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 286 का SL मेंटेन करे, 298 के पहले टारगेट एंड 303 के सेकेंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।